गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. टुडेज चैप्टर इज़ अ वाइन ऑन अ हाउस. डू यू बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट्स? क्या आपको भूत प्रेत पे विश्वास होता है? कुछ लोगों को होता होगा, कुछ लोगों को नहीं होता होगा. लेकिन ये एक कहानी है, एक घोस्ट स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अबाउट 3 miles फ्रॉम द लिटिल टाउन ऑफ नॉर्टन इन मैसूरी stands an old house that was last occupied by a family named Harding. 3 miles दूर मिजोरी में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था नॉर्टन. वहाँ एक बहुत ही पुराना घर था जो लास्ट उस जो फैमिली उस घर में रही थी वो फैमिली का टाइटल था हार्डिंग. सिंस 1886 नो वन हैज़ लिव्ड इन इट. मतलब 1886 के बाद उस घर में कोई नहीं रहा. नॉर इज़ एनी वन लाइकली टू लिव इन इट अगेन. और ना ही वो कोई भी उस घर में रहना चाहता है. टाइम एंड निगलेक्ट हैव कन्वर्टेड इट इंटू अ रैदर पिक्चरस्क्यू रेन. पिक्चरस्क्यू का मतलब होता है आपका लाइक अ पिक्चर. कहने का मतलब ये कि जैसे आप किसी घर में बहुत साल से कोई ना रह रहा हो, उस घर की देखभाल ना हो रही, आप घर में रहते हो, घर में साफ़ सफाई करते हो, देखते हो कि आपका घर साफ़ सुथरा रहे, तो पेंट करवाते हो, सब कुछ साफ़ सुथरा रखते हो, लेकिन वो घर में जब कोई रह ही नहीं रहा था तो उसकी देखभाल भी नहीं हो रही थी, तो उस वो घर भी बिल्कुल वीरान हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा गंदगी भर चुकी थी उसमें, बहुत ज़्यादा डरावना जैसा लगने लगा था. रुइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय. Which has got it listed into the category of haunted house. क्योंकि वो घर में कोई नहीं रहता था और वो देखने में भी डरावना लगने लग गया था, इसलिए वो एक haunted house की category में आ गया था. Its windows are without glasses. Windows थे लेकिन उसमें glasses नहीं थे. Doorways था लेकिन उसमें door नहीं था. There were wide breaches in the roof. और आपकी जो roof है यानी जो आपकी छत थी उसमें बहुत ज़्यादा दरारें थी. Lack of paint, यानी paint एकदम हट चुका था. And long neglect have turned the walls a depressing grey. मतलब कि कोई भी उस घर में घुसे तो या तो उसको डर लगेगा या फिर एकदम उस घर में आपको बहुत ज़्यादा उदासी लगेगी, नेगेटिव जो है आपके नेगेटिविटी लगेगी उस घर में जाकर के, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. There is plenty of greenery around. आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और एक लार्ज वाइन है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही अजीबोगरीब है. इसलिए अजीब है क्योंकि कोई भी उस वाइन के स्पीशीज़ को जो है पहचान नहीं पा रहा है. इवन द बॉटनिस्ट, जो बॉटनिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्लांट्स के बारे में बताते हैं, वो भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये लार्ज वाइन किस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है. तो ये वाइन का जो पेड़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इस स्टोरी में. द हार्डिंग फैमिली कंसिस्टेड ऑफ रॉबर्ट हार्डिंग एंड हिज वाइफ मेटिल्डा. इन हार्डिंग फैमिली में रॉबर्ट हार्डिंग था, उसकी वाइफ मेटिल्डा थी और मिस जूलियट वेंट हु वॉज हर सिस्टर. मतलब उसकी वाइफ की सिस्टर थी और उसके दो छोटे बच्चे थे. रॉबर्ट हार्डिंग अबाउट 40 years old, 40 साल का वो हो चुका था. बहुत साइलेंट था लेकिन बहुत ज़्यादा रूड था. मैन हु नेवर गॉट अलॉन्ग विद एनी ऑफ द नेबर्स. मतलब ये कुछ लोग होते हैं जिनका किसी से भी ज़्यादा मेल मिलाप नहीं होता, किसी से फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होता, आप आसपास में पड़ोसियों से भी कायदे से बात नहीं करते हो. तो उसके दोस्त भी आस पड़ोस में कोई नहीं था और ना ही कोई उसका दोस्त बनना चाहता था. ही वॉज अ फ्रुगल. फ्रुगल मीन्स सिंपल टेस्ट था, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करता था लेकिन हार्ड वर्कर था. ही हैड अ लिविंग फ्रॉम द लिटिल फार्म. मीन्स जो उसके पास एक छोटा सा फार्म था उसी से वो अपना घर का गुजारा करता था. यानी उस फार्म में उसने अगर मुर्गियाँ रखी होंगी तो उसका अंडा बेच करके या आपका चिकन बेच करके वो गुजारा करता था. और जो लिटिल फार्म था वहाँ पर हद से ज़्यादा जो है झाड़ और जंगली घासें उगाई थी. He and his sister-in-law were boycotted by their neighbors. Boycotted यानी उनको जो है उनसे कोई नहीं बात करता था, ना ही उनसे कोई संबंध रखना चाहता था. For these two were seen too frequently together. मतलब अक्सर ये रॉबर्ट और उसकी वाइफ की जो बहन है अक्सर ये लोग बाहर निकलते थे, अक्सर ये लोग एक साथ
सकते थे। एंड द मॉरल कोड ऑफ रूरल माइजोरी इज़ स्टर्न एंड एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग मीन्स होता है आपका टफ। वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, रूरल लाइफ, यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिसेस हार्डिंग वॉज अ जेंटल सैड आइड वुमेन हु हैड नो लेफ्ट फुट। मिसेस हार्डिंग यानी जो रॉबर्ट की वाइफ थी वो बहुत ही जेंटल थी, लेकिन उसकी आँखों में हमेशा उदासी दिखती थी और उसका लेफ्ट फुट नहीं था। सम टाइम इन 1884 इट केम नोन दैट शी हैड गॉन टू विजिट हर मदर इन ओवा बट हैड नेवर रिटर्न। 1884 में कहा जाता है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने उनके घर गई थी, लेकिन वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आई। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, विदाउट सेलिंग हिज फार्म, बिना अपना फार्म बेचे, बिना अपनी प्रॉपर्टी को बेचे, हार्डिंग और उसकी पूरी फैमिली उस कंट्री को छोड़ करके चली गई और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए, क्योंकि कोई भी उनका फ्रेंड्स नहीं था, इसलिए किसी से भी उनका कॉन्टैक्ट नहीं था और ना ही किसी को कोई ये इच्छा जाहिर होती थी कि हम पता लगाएं कि हमारे पड़ोसी इतने साल से कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वॉट एवर ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस कुड बी मूव्ड सून डिसअपीयर्ड, मतलब जो भी सामान हट सकता था वो जल्द धीरे धीरे करके वो सब गायब हो गए। एंड द डेजर्टेड हाउस, डेजर्टेड मीन्स अबेंडेंड यानी खाली, हाउस बिकेम हाउंटेड, मतलब वो घर कैसा बन गया, डरावना, भूतिया बन गया। वन समर इवनिंग 4 or 5 years लेटर, REV का मतलब होता है आपका, एब्रिविएशन है ये रेवरेंट के लिए, ये ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जे ग्रूबर और मिस्टर हायत एंड एन अटॉर्नी, अटॉर्नी मीन्स होता है लॉयर, मेट ऑन अ हॉर्स बैक इन फ्रंट ऑफ द हार्डिंग। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और घर के सामने, उसी हार्डिंग प्लेस के सामने ये लोग खड़े हुए थे। Having business matters to discuss, they decided to sit on the porch. मतलब ये जो हार्डिंग का घर था उन्हीं के पोर्च के बाहर इन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ बातें करनी है तो चलो यहीं पे बैठ करके हम लोग बातें कर लेते हैं। And talk jokingly they mentioned, मतलब ये मजाक में उन्होंने मेंशन किया, अरे ये तो भूतिया घर है और क्या यहाँ पे बैठना सही होगा। However, this was soon forgotten, वो तो मजाक की बात थी, इसलिए वो लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करके वो दोनों जन वहाँ पे बैठ करके अपने बिजनेस के बारे में बातें करने लगे। It was getting dark, अंधेरा हो रहा था, the evening was very warm, और जो शाम थी वो बहुत ज़्यादा वार्म थी, यानी गर्म हवा चल रही होगी या गर्माहट होगी। एंड द एयर स्टैगनेंट, स्टैगनेंट का मतलब होता है आपका अनप्लीजेंट, बिकॉज नॉट मूविंग, अच्छा गर्म इसलिए था क्योंकि हवा नहीं चल रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऑल ऑफ अ सडन बोथ द मेन वेयर स्टार्टल्ड, दे गॉट अप फ्रॉम दियर सीट्स इन सरप्राइज, अ लॉन्ग वाइन दैट कवर्ड हाफ द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड डैंगल्ड इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द एज ऑफ द पोर्च अबव देम वॉज विजिबली एंड ऑडिबली एगिशिएटेड। एगिशिएटेड का मतलब होता है आपका डिस्टर्ब एंड रेस्टलेस, मतलब ये अचानक से वो लोग उठे, उनको अजीब सा लगा, उनको ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है, तो उन्होंने पीछे देखा, एक लॉन्ग वाइन का जो है वो ब्रांचेस थी जो पूरे फ्रंट जो था घर का उसको कवर की हुई थी। जैसे आप इस फोटो में देखिए, ये पूरा जो पेड़ है, ये ब्रांचेस हैं पेड़ के, वाइन के, ये पूरे घर को जो है जकड़े हुए हैं और वो पूरा शेक कर रहे थे। उस शेक को देख करके वो लोग घबरा गए, क्यों, क्योंकि वो ऐसा चल रहा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो और वो पेड़ पत्ते और आपके जो स्टेम है वो बहुत वॉयलेंटली शेकिंग हो रही थी उसमें, जबकि बाकी सारे आसपास जितने भी पेड़ थे वो साइलेंट थे क्योंकि ऐसा कोई भी तूफान नहीं आ रहा था। इसलिए वो दोनों ही जन इस चीज़ को देख करके घबरा गए। ग्रोवर सेड नथिंग बट साइलेंटली पॉइंटेड एट द ब्रांचेस ऑफ द अदर ट्रीज अराउंड विच शोड नो मूवमेंट। इन ग्रेट हेज दे स्टेप डाउन द पोर्च टू द एरिया दैट वॉज वंस अ लॉन, मतलब उस एरिया में गए जहाँ पे वो एक लॉन था और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें वाइन दिखाई दिया जिसकी लेंथ इतनी लंबी थी जो कि बहुत विजिबल हो रही थी। इट कंटिन्यूड, और ये जो है बहुत ज़्यादा लंबी थी। इन ग्रेट हेज दे स्टेप डाउन द पोर्च टू द एरिया दैट वॉज अ लॉन, तो लॉन जो था वहाँ पर ये लोग आए उस एरिया में। एंड लुकड अपवर्ड, उन्होंने ऊपर देखा तो वाइन उनको पूरी विजिबल थी, बहुत लंबी सी थी। इट कंटिन्यूड टू शेक, और वो
बार बार हिल रही थी वॉयलेंटली पूरा, मतलब आपको ऐसे हिल रही थी कि आपको डर लगे। दे कुड फाइंड नो कॉज, और उस डिस्टर्बेंस का कॉज उनको नहीं समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि ना ही तूफान चल रहा था, ना ही और कोई पेड़ हिल रहे थे, सिर्फ एक वही वाइन ट्री का पेड़ हिल रहा था। तो उन दोनों ने एक दूसरे से बात की और कहा कि चलो भैया यहाँ से जल्दी चलें, लेट अस लीव, सेड द मिनिस्टर, एंड बोथ ऑफ देम लेफ्ट दैट वेरी इंस्टेंट। तुरंत के तुरंत वो लोग वहाँ से चले गए। दे रोड बैक टू टाउन, अपने वो टाउन गए साथ में, और दे रिलेटेड दी स्ट्रेंज, ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो है, ये जो स्ट्रेंज चीज़ें हुई उसको जो एक्सपीरियंस था उसने अपने कई दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर किया। द नेक्स्ट इवनिंग एट अबाउट द सेम आवर, उस दूसरी इवनिंग को सेम उसी समय पे वो जो दोस्त थे वो बाकी अपने दोस्तों को लेकर के वापस से उसी जगह पे पहुँचे और वही सारी चीज़ें दोबारा से हुई। उसी तरह से जो वाइन था वो शेक कर रहा था वॉयलेंटली। द स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस फिनोमेना ऑकर्ड अगेन एग्जैक्टली एज इट हैड द प्रीवियस डे। टुगेदर द फोर मैन हेल्ड द ट्रंक ऑफ द वाइन विद देयर कंबाइंड फोर्स, मतलब पूरी तरह से उन्होंने उसकी ब्रांचेस को पकड़ने की कोशिश की, बट द वाइन कंटिन्यूड इट्स वॉयलेंट शेकिंग, वो बिल्कुल नहीं रुका। फिर द फोर मैन ऑब्जर्व एंड डिस्कस्ड फॉर एन आवर, वहाँ खड़े होकर के उन्होंने कुछ डिस्कशन किया और फिर वो वहाँ से चले गए एज कन्फ्यूज्ड एज बिफोर, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। नो इन नो टाइम द एंटायर नेबरहुड, मतलब आस पड़ोस के सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया और दिन रात सारी क्राउड वहाँ पे गैदर हो रही थी हार्डिंग हाउस के सामने कि इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया जाए, क्यों वो वाइन इस तरीके से वॉलेंटली शेक कर रहा है। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया दैट द वाइन वुड बी डग अप। नथिंग वॉज फाउंड बट द रूट, उनको सिर्फ उसकी जड़ें मिली। यट नथिंग कुड हैव बीन स्ट्रेंजर, कुछ अचंभित ऐसा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था कि जो रूट था उसकी लंबाई 5 से 6 फुट थी और वो सिंगल था, एकदम स्ट्रेट था, उसके रूटलेट सब डिवाइडेड निकले हुए थे। वो मोस्ट क्यूरियसली इस तरीके से लग रहा था जैसे एक औरत की जो है वो प्रतिमा हो वो। वेन केयरफुली फ्रीड फ्रॉम द सॉयल, जब कायदे से उसको सॉयल से फ्री किया गया, दे शोड अ सिंगुलर फॉर्मेशन रिसेम्बलिंग अ ह्यूमन फिगर, एक ह्यूमन फिगर उनको समझ में आया। हेड्स दिखा, ट्रंक, लिम्स वेयर देयर, इवन द फिंगर्स और टोज जो थे वो भी समझ में आ रहे थे। एक फिगर, इस फिगर को देख करके समझ में आ रहा था ये एक इंसान का फिगर है। लेकिन सबसे अचंभित वाली बात क्या थी, उस फिगर का, उस पेड़ का, उस रूट्स का एक लेफ्ट फुट नहीं था, वो मिसिंग था। तो सब ने ये समझ लिया कि ये जो लेफ्ट फुट मिसिंग है तो ये कौन है, मिसेस हार्डिंग, जो कभी भी अपनी माँ के घर नहीं गई थी, शायद उनको मार करके उनको यहीं पे दफना दिया गया था। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ था कि ये चीज़ें कैसे हुई। एवरीवन कुड ईजली फिगर आउट हु इट वॉज, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन द मैटर वॉज डिसाइडेड बाय द शेरिफ, शेरिफ जो वहाँ के पुलिस कर्मचारी होते हैं उस कंट्री के, उनको बोला जाता है, उनकी कस्टडी में इस अपरूटेड वाइन को दिया गया और एक नया वाइन जो है वहाँ पे लगाया गया, फ्रेश वाइन का प्लांट लगाया गया उस जगह पे। लेटर इंक्वायरी रिवील्ड दैट मिसेस हार्डिंग हैड नेवर, बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता चल गया कि मिसेस हार्डिंग कभी अपनी माँ के घर गई ही नहीं थी। ऑफ रोबर्ट हार्डिंग एंड द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली नथिंग इज नोन, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। द हाउस इज स्टिल नोन एज द हॉन्टेड हाउस, अभी भी उसको हॉन्टेड हाउस ही कहा जाता है। लेकिन जो नया वाइन वहाँ पर लगाया गया था वो कायदे से निकला और उससे किसी को भी अब घबराहट नहीं हुई, क्योंकि ना ही वो अब वॉलेंटली एग्रीशिएट कर रहा था। सो दिस इज द स्टोरी, द वाइन, what is the name of the chapter, the chapter name is a wine on a house। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरी थी जिसे आपको मैंने आज समझाया है, और इसके बाद मैं अब आपको हार्ड वर्ड्स और इसके वर्ड मीनिंग्स दूंगी करने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। थैंक यू।